राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग के 8, 9, 10, 11 और 12वें श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, सौहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुसा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।